अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको चाइनीज़ चावल, यूनिक किस्म के चाइनीज़ चावल बनाने सिखाती हूँ। और स्पेशल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में सब्ज़ियाँ भी बड़ी खूबसूरत और अच्छी होती हैं। और इंशाल्लाह ताला आपने मुझे बताना है कमेंट्स के ज़रिए कि आपको ये चावल कैसे लगे। सबसे पहले हम 4 अंडे लेंगे। हमने ज़रदा का रंग डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और काली मिर्च डाली है थोड़ी थोड़ी। इसको फेंट लेंगे। अब फ्राई पैन में तेल डालें। तेल डाल के हमने अंडे डाल दिए। देखिए अंडे को आपने स्क्रैम्बल कर लेने। हमारे अंडे तैयार है। एक है ना कप शिमला मिर्ची, एक कप कॉर्न, गाजर, एक कप तकरीबन 2 कप है ना बंद गोभी, और एक है ना बड़ा कप है ना सब्ज प्याज, लहसुन, अदरक, लहसुन, किनौर क्यूब, नमक, काली मिर्च। और एक ये चीज़ है, आप देखें, ये है शलजम कुतरे पे बारीक। ये बहुत स्पेशल तरीके से ये डिश तैयार होती है और इस चाइनीज़, और इसमें शलजम आपने डालें तो इसका जायका बिल्कुल बाज़ार वाले चाइनीज़ की तरह आएगा, चावलों की तरह। इसमें 2 कप अपने ऑयल डाल देना है, लहसुन डाल देना है, लहसुन और अदरक हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसके बाद इसमें आपने सब्ज़ियाँ डालनी शुरू कर देंगी। सब सब्ज़ियाँ आपने डाल देना है। चम्मच प्याज रहने देने हैं, किरौर भी डाल देनी है, और आधा चम्मच नमक, यू स्पून काली मिर्चें। सब्जियों को ज़्यादा नरम नहीं करना, सब्जियों को खड़ा खड़ा रखना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टी स्पून चिली सॉस। अब इसको भून लें, हल्का सा फ्राई करें। देखें सब्जियां तैयार हो गई। इस तरह खड़ी खड़ी सब्जियां रखनी है। आप इसमें थोड़े से और भी अपने हसबे मंशा ऐड कर सकती हैं, सिरका वगैरह अपने मुताबिक। मैंने इसमें भी जो मैंने आपको बताया था उसके अलावा मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है जी। तकरीबन 3 पाव चावल डाले हैं, और चावल मैंने मुकम्मल उबाले हैं, और 3 पाव चावल के हिसाब से सारी सब्जियां भी मैंने आपको बताई हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे, नमक वगैरह ये सिरके। अब देखिए जब मिक्स करेंगी ना तो अब आपने खुद ही अपने चावलों के अंदर अपनी सारी चीज़ें मिक्स कर पूरी कर लेनी है। अगर कोई सिरका कम होता है हसबे जायका, या सोया सॉस कम लगती है तो आपने नमक कम लगता है, खुद ही आपने चेक कर लेना है। अब ये साथ ऊपर से आपने सब्ज़ प्याज डालने। सब्जी तरह खड़ी खड़ी हो तो वो अच्छी लगती है चाइनीज चावल में। अब देखें अच्छी तरह सारे चावल मिक्स हो गए हैं, इसमें हमें अंडा डाल देना, अंडा डाल देना, और फिर इसको हल्की आंच पे दम में रख देना। इसको दम आ गया है, 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम में रखा है। अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। चाइनीज चावल तैयार है। अब आपने मुझे कमेंट्स में ये बात बतानी है कि आपको शलजम इसमें कैसे लगे हैं, आपको पता चला है कि नहीं चला। बच्चों को ना बताइएगा कि शलजम डालें। अस्सलाम वालेकुम।